हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने अपने लाइफ में सब खुश होंगे। तो दोस्तों, आज की इस एपिसोड में है जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, मोटोरोला की तरफ से एक बजट सेगमेंट में आने वाला स्मार्टफोन मोटो G34, जिसको है जो काफ़ी सारे लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं और काफ़ी सस्ते प्राइस में है जो अपने इंडिया में लॉन्च होगा। और दोस्तों, ये जो स्मार्टफोन है बेसिकली 9 जनवरी को लॉन्च होगा और काफ़ी सस्ते प्राइस में और अच्छे खासे फीचर लेकर आएगा। तो फिर चलिए जानते हैं इस स्मार्टफोन के बारे में, इसके फुल डिटेल, फीचर और इसके प्राइस। तो फिर चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस से। तो इसके अंदर है जो आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जिसमें आप नॉट हैव यूज बट इसमें है जो आप नॉर्मल टास्क है जो इजी कर सकते हो। ये बेसिकली गेमिंग के लिए स्मार्टफोन नहीं बना हुआ है, इसमें आप नॉर्मल जो यूज करते हो एंटरटेनमेंट के लिए, फोटोज वगैरह खींचने के लिए, तो उसमें है जो ये नॉर्मल काम कर जाएगा और ये नॉर्मल यूज के लिए ही बना हुआ है। और इसके साथ साथ इसके अंदर है जो आपको 8 GB की रैम और 128 GB की इनबिल्ट मेमोरी देखने को मिल जाती है। और दोस्तों, इसके साथ साथ इसके अंदर है जो आपको एंड्रॉयड वर्जन 13 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो फिर चलिए अब बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। दोस्तों, डिस्प्ले में है जो आपको 6.5 इंचेस का एक IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि एक नॉर्मल डिस्प्ले है, जो कि एक HD+ डिस्प्ले है। और दोस्तों, इसके डिस्प्ले में खास बात यह है कि इसमें है जो आपको 120Hz की रिफ्रेश रेट को सपोर्ट भी करती है। तो ये मुझे इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट लगा और काफी अच्छा भी है। इसमें है जो डिस्प्ले आपका स्मूथ वर्किंग करेगा। और बात कर लेते हैं अब इसके कैमरास के बारे में। तो दोस्तों, इसके रियर में है जो आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। और इसमें इसके कैमरे में एक अच्छी बात मुझे ये लगी कि इसके अंदर है जो आपको वाइड एंगल कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि 50MP का है, और प्लस में 2MP का मैक्रो कैमरा है इसके रियर में। और दोस्तों, इसके रियर कैमरा आप है जो 1080p में 30fps पर वीडियो शूट कर पाओगे। तो ये बेसिकली नॉर्मल है और वीडियो के मामले में उतना अच्छा नहीं कह सकते। और बात की जाए इसके फ्रंट कैमरा की, तो दोस्तों फ्रंट में भी है जो आपको 16MP का कैमरा देखने को मिलता है। और इसके फ्रंट कैमरा आप है जो 1080p में 30fps पर वीडियो शूट कर पाओगे। दोनों ही कैमरे में है जो आपको वीडियो है जो सेम देखने को मिल जाता है। और बात कर लेते हैं अब इसके बैटरी के बारे में। तो दोस्तों, इसकी बैटरी है जो काफी इंप्रेसिव लगी, क्योंकि इसके अंदर आपको मिल जाता है 5000mAh की बैटरी, जो कि 18W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। तो ये इसमें मुझे एक अच्छा बात ये लगा कि इसमें है जो आपको काफी लो प्राइस में आपको 18W का चार्जर देखने को मिल जाता है, और इसमें है जो बैटरी भी आपको काफी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। और बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। तो दोस्तों, इसकी जो प्राइस है वो रखी गई है 11,999 रुपये, यानी कि आपको 12,000 रुपये में एक कॉम्पैक्ट साइज का फोन देखने को मिल जाता है और एक अच्छा खासा फीचर वाला फोन देखने को मिल जाता है, जो कि काफी सस्ते प्राइस में है जो आपको 5G फोन देखने को मिलता है। और इसको है जो काफी सारे लोग है जो अफोर्ड भी कर सकते हैं, और जिसको ये बजट में 5G स्मार्टफोन चाहिए तो वो इसको कंसिडर कर सकता है। तो दोस्तों, और ये जो स्मार्टफोन है ये 9 जनवरी को है जो अपने इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। तो दोस्तों, ये स्पेसिफिकेशन इसके फोन की आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट कर दे, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे।